नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में राम की पैड़ी सरयू के किनारे से लाए हैं आपके लिए न्यूज शो आज का यूपी। तो जान लीजिए क्या है आज की वो सुर्खियां जिससे हो सकता है आपका सरोकार। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि जेल में बंद एक शख्स को जमानत मिलने के बाद भी सिर्फ नाम में एक मामूली सा गलत हुआ और 8 महीने और उसे जेल में गुजारने पड़े जमानत के बाद भी। ये कहां हुआ आपको बताएंगे। शिवपाल यादव 2022 को लेकर कैसी तैयारी में जुटे हैं ये भी जानिए। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है योगी आदित्यनाथ को पत्र, और गौ माता को लेकर सरकारी गौशालाओं में क्या है स्थिति, इसे लेकर कैसे तफसील से लिखा है उनके हालात के बारे में ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आजम खान की पत्नी को मिल गई है राहत और हो सकता है कि उनकी जेल से रिहाई भी हो जाए। साथ साथ कहां उत्तर प्रदेश में किस बड़े पुलिस अधिकारी को मिली है जान से मारने की धमकी। ये तमाम खबरें आज का यूपी। नाम में मामूली सी त्रुटि और एक शख्स को 8 महीने और बेवजह जेल में गुजारनी पड़ी। यह मामला सिद्धार्थनगर का है। हाईकोर्ट से 9 अप्रैल 2020 को जमानत होने के बाद भी उस शख्स को जेल से नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उसका नाम था विनोद कुमार बरुआर और जो बेल बॉन्ड जेल पहुंचा था उसमें सिर्फ विनोद बरुआर लिखा था। 8 महीने तक जमानत होने के बाद भी वो जेल में यूं ही पड़ा रहा और जेल की सजा काटता रहा। यह मामला तब सामने आया जब याचिका ने दोबारा त्रुटि ठीक करने की गुहार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकायदा इस मामले को लेकर जेल अधीक्षक और जेलर को जमकर फटकार लगाई, उन्हें अदालत में बुलाया और तब जाकर उस शख्स की रिहाई हो पाई। यानी नाम में अगर मामूली सी भी गड़बड़ी हो गई तो महीने और हफ्ते यूं ही जेल में गुजर जाते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल निकलकर सामने आया है। चलते हैं अगली खबर की। अब उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली अपनी मांगों को लेकर पहुंचने लगे हैं और पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने लगे हैं। मेरठ से कल सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और लॉरियों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के किसान गए थे और आज पीलीभीत से भी ढेरों सिख किसान आज दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पीलीभीत के एक पुल पर ही रोक दिया और उन्हें रोकने के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक भी खड़े किए गए, लेकिन ये किसान नहीं माने। जर्जर पुल पर खड़े ट्रक को इन सभी किसानों ने एक साथ मिलकर दूर तक धकेल दिया। हालांकि सरकार ढेरों किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में सफल रही, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इन किसानों ने उस पुल पर खुद बैरिकेड हटाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने जो गाड़ियां जो ट्रक खड़े किए थे उन्हें हिलाकर उठाकर और दूर हटाने तक की कोशिश की। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अब दिल्ली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। चलते हैं अगली खबर। 2022 के चुनाव का आगाज शिवपाल यादव ने आज कर दिया। मेरठ में आज वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और आज से शिवपाल यादव ने अपना सियासी कार्यक्रम पार्टी के लिए और चुनाव के लिए एक साथ शुरू किया है। हालांकि सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, लेकिन 100 लोगों के बीच इस कार्यक्रम को करने की अनुमति मिली थी। कम लोगों के बीच ही शिवपाल यादव ने आज अपने लोगों को संबोधित किया, लेकिन एक बात जो उन्होंने एक दिन पहले इटावा में कही थी उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। शिवपाल यादव ने कहा था कि अब वो झुककर समझौता नहीं करेंगे और छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक किसी बड़े दल के साथ जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। ये पत्र उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में गायों के बदहाल हालात पर था। प्रियंका गांधी ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि किस तरीके से सरकारी गौशालाओं में गोमाताओं की हालात बेहद ही खराब है। वो तिल तिल कर मर रही हैं, उन्हें भोजन पानी देने वाला कोई नहीं है और वो बीमार हैं। जिंदा गायों को कौवे कुत्ते नोच रहे हैं और ये लाचार स्थिति
ज्यादातर गौशालाओं की बनी हुई है। प्रियंका गांधी का ऐसा पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा जाना ये अपने आप में कई बातें कहता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकारी गौशालाओं में बीमार और दूसरी तरह की तमाम लावारिस गायें लाकर रख तो दी गई, लेकिन उनके देखभाल में भारी कमी और कोताही दिखाई देती है। कभी ललितपुर से, कभी बांदा से, कभी महोबा से लगातार ऐसी खबरें मिलती हैं कि गौ माताओं को देखने वाला कोई नहीं है और बीमार और लावारिस गायें मर रही हैं। और यही सब कुछ प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है। अब देखना है कि इससे गौशालाओं की हालत सुधरती है या ये एक महज सियासत ही बनकर रह जाता है। चलते हैं अगली खबर। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को आज जान से मारने की एक धमकी मिली। डायल 112 पर एक कॉल आई और उसके बाद पुलिस कमिश्नर को मार देने और उन्हें उड़ा देने की धमकी दी गई। जैसे ही यह कॉल आई उसके बाद से उस शख्स की तलाश शुरू हुई कि किसने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को ये धमकी दी। हालांकि मोबाइल उसका स्विच ऑफ है, लेकिन लखनऊ के DCP को इसकी जांच सौंपी गई है। आपको बता दें कि डायल 112 पर और खासकर इसके व्हाट्सएप नंबर पर VVIPs को अमूमन ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं और लोग गिरफ्तार भी होते हैं। अब कमिश्नर को किसने धमकी दी ये जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आजम खान की पत्नी जो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं, उन्हें अदालत से राहत मिल गई। उन्हें जमानत दे दी गई है और बाकायदा जमानत का परवाना आज सीतापुर जेल भी पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आजम खान की पत्नी कब रिहा होती हैं या फिर कोई और मामले बनते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। उम्मीद ये की जा रही है कि आजम खान की पत्नी को जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल सकती है। तो ये था यूपी तक पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।